भी बन रहा है। ये आपका गोल सेट होना चाहिए, ये लक्ष्य निर्धारण, ठीक है। तो ये पहला हमारा ड्रीम है जिसको सपना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सपना बोलते हैं, गोल सेट, लक्ष्य निर्धारण, ठीक है। हमने लक्ष्य निर्धारण कर लिया, हमने क्या किया, लक्ष्य निर्धारण किया। अब लक्ष्य निर्धारण क्या होता है, एक छोटा लक्ष्य होता है जिसमें 1 से 3 महीना का होता है। क्या? 1 से 3 महीना का होता है, ठीक है। शॉर्ट टर्म जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? शॉर्ट टर्म, छोटा, 1 से 3 माह। अब 1 से 3 महीना का लक्ष्य में हमको कम से कम मिनिमम 10,000 के रेंज तक पहुंचना है, कि भी 10,000 रुपया का इनकम हमको होना चाहिए 1 से 3 मंथ में। जब ये लक्ष्य बनाए हैं तो आपका टीम भी लक्ष्य बनाएगा। आप अपने टीम को भी आसानी से बोल पाइएगा कि मैं ये लक्ष्य बनाया हूँ 1 से 3 महीना का, जिसमें हमारा कम से कम महीने का 10,000 का इनकम का रेशियो हम लोगों को बनाना है। आप कोई सा भी काम करने जाइए, कोई सा भी जॉब करने जाइए, ठीक है, और जॉब आपको 4-5 हज़ार रुपया ही शुरू में देगा और उसकी कोई गारंटी नहीं रहेगा, ठीक है। आपने क्या किया, लक्ष्य बनाया, लक्ष्य निर्धारण आपने किया, ठीक है। अब जब आपका लक्ष्य बन गया कि मेरे को पैसे चाहिए, मान सम्मान चाहिए, रिवार्ड चाहिए, परफॉर्मेंस चाहिए, ठीक है, अब आपने बनाया तो आपको कहाँ से मिलेगा भाई? आपने सपना तो देख लिया, बड़ा बड़ा ख्वाबे आपने देना पड़ेगा, मेहनत कैसे करेंगे? मेहनत तो हर कोई करता है, मेहनत सबसे ज़्यादा मेहनत कौन करता है मालूम है आपको? कौन करता है सबसे ज़्यादा मेहनत? मजदूर तो करता है, और कौन करता है? रिक्शा चलाने वाला सा ज़्यादा है। शरीर ज़्यादा मेहनत नहीं करता है, शरीर से ऊपर वाला भाग मेहनत करता है, ये दिमाग, यहाँ से ऊपर वाला ज़्यादा पैसा कमाता है, मान सम्मान, शोहरत, इज्जत, और नीचे वाला ज़्यादा नहीं कमाता है। ये कड़वी सच्चाई है, इसको जानना हमको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शरीर 6 से 8 घंटा ही मेहनत कर पाएगा, इसके बाद उसको आराम भी चाहिए, सोने का भी चाहिए, खाने का भी चाहिए, रेस्ट का भी चाहिए, आना चाहिए कम से कम मिनिमम 10,000 का, ठीक है। ये हो गया, अब हमने गोल सेट कर लिया, लक्ष्य निर्धारण कर लिया, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा भाई? दूसरा, हमने अपना लक्ष्य निर्धारित कर लिया, हमने सपना देख लिया, तो उसके लिए करना क्या पड़ेगा, क्या करेंगे हम लोग? लिस्ट बनाना है। क्या बनाना है? लिस्ट, लिस्ट बिल्डिंग, यानी सूची, सूची निर्माण, सूची निर्माण। सबसे पहले सूची में किसको डालना है? घनिष्ठ। सूची निर्माण का फार्मूला है FRIENDS, फ्रेंड, फ्रेंड यानी दोस्त, कलीग। पहला क्या हो गया? फ्रेंड, फ्रेंड यानी दोस्तों का लिस्ट बनेगा। सबसे पहले दोस्तों का बनेगा, ठीक। अब दोस्तों में क्या क्या रहेगा? सीरियल नंबर, इसके बाद नाम, नाम, मोबाइल नंबर, एड्रेस, क्या एड्रेस, और लोकेशन, मोबाइल के साथ व्हाट्सएप नंबर उसका, ताकि आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर प्रोफेशन, क्या किस में है, वो जॉब में है कि नौकरी में है, किस टाइप से उसको हम बता सकते हैं, ठीक है। प्रोफेशन समझ में आ पा रहा है कि नहीं? जॉब, और यहाँ रिमार्क, रिमार्क का मतलब ये होता है कि जब हम फॉलोअप करेंगे तो कब कितने दिन में बोलता है कि कब जुगाड़ होगा, या समझ में आए कि नहीं, फॉलोअप हम कब लेने जाएंगे, तो यहाँ डेट यहाँ लिखा है, वहीं पे उसी दिन कि आज प्लान किए किस लीडर के साथ अब फॉलोअप के लिए कब जाना है, वो कब टाइम दिए, फिक्स हो गया कि नहीं?
फ्रेंड का बन गया। इसके बाद आर, दूसरा क्या है आर, आर का मतलब रिलेटिव, रिश्तेदार, रिश्तेदार है ना, परिवार, समाज, ठीक है। और जहाँ पे हम रिलेशन जोड़ते हैं बेटा का बेटी का, ठीक है, वहाँ पे भी उनका लिस्ट बनाते हैं, तो वो क्या होते हैं हमारे रिश्तेदार होता है, समाज परिवार होता है। आसानी से सबका है कि नहीं है, इसमें जोड़ सकते हैं कि नहीं जोड़ सकते हैं, कुछ नहीं करना है इसको, करना है बाकी कुछ नहीं करना है, किसको प्लान दिखाना है, प्लान में दिखाने के लिए आप लोगों को नहीं बोल रहा हूँ, पहले मैं जो बोल रहा हूँ वो करना है, ठीक है, होगा, बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा। अच्छा, लिस्ट कितने का बन सकता है, कितने का हम लिस्ट बना, पढ़ाई करते समय भी आपके कुछ दोस्त होंगे जो बिछड़े होंगे, उनका भी लिस्ट तैयार कर सकते हैं। ई, ई मतलब होता है इम्प्लाई, आपके अंडर में नौकरी चाकरी करने वाले होंगे, होंगे कि नहीं होंगे, उनका भी बना सकते हैं, आपके थ्रू, घर के थ्रू, पत्नी के थ्रू, बच्चे के थ्रू, बेटा बेटी के थ्रू भी तो होगा ना, वो भी तो जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, जुड़ा। इसके बाद एन, एन का मतलब निगोबर, पड़ोसी, आजू बाजू का भी तो लिस्ट बना सकते हैं ना, क्योंकि आजू बाजू वालों का नहीं जानते हैं का, लिस्ट बनाने में क्या दिक्कत है भाई, लिस्ट बना के रखिए ना, आप कुछ मत करिए, मैं बोल रहा हूँ वही काम को करना, आप लिस्ट बना। फिर डी, डी फॉर होता है डॉक्टर, कुछ डॉक्टर लोगों का भी होता है जो हम लोग इलाज करवाने जाते हैं, या परिचय होता है घर में, क्या स्ट्रेंजर है ना, अजनबी होता है, कोई नहीं है तो अजनबी का लिस्ट कैसे बनेगा। आप जा रहे हैं, मान लीजिए कि आप कहीं यात्रा करने जा रहे हैं, आप बस स्टैंड है या रॉ मटेरियल, थोड़ा सा आप लोगों को अंतर लगेगा, थोड़ा सा आप लोगों को थोड़ा सा अंतर लगेगा, थोड़ा सा अंदर काम है, स्मार्ट वर्क है, सही बता रहा हूँ, मैं दिल से बोल रहा हूँ, इतना अच्छा काम है कि दुनिया में ऐसा कोई काम ही नहीं है, आज तक नहीं बना है डायरेक्ट सेलिंग जैसे काम, ठीक है। लिस्ट आपका तैयार हुआ, तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, लिस्ट हमको तैयार हो गया, हमने लिस्ट बना लिया, अब लिस्ट हमने बना लिया तो अब उनको तीसरा, समझिएगा, तीसरा होता है इनवाइट, आई एन वी आई टी ई, इनवाइट, इनवाइट मतलब होता है निमंत्रण, इनवाइट मतलब होता है निमंत्रण या आमंत्रित करना, क्या आमंत्रित करना, ठीक है। जैसे आज मीटिंग हुआ, हमने आज इनवाइट किया, आमंत्रित किया लोगों को, निमंत्रण दिया और लोग नहीं आए, अब निमंत्रण देने का जो तरीका है ये आमंत्रण हो गया। चौथा पॉइंट, चौथा पॉइंट क्या, प्लान शो, क्या प्लान शो, समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोगों को ये बताइए, प्लान शो, प्लान दिखाना, इसका ड्रीम वर्ल्ड कंपनी का प्लान के बारे में जानकारी देना। अब प्लान हम कैसे बताएंगे, ड्रीम डायरेक्ट सेलिंग ग्रुप शहर से लॉन्च हुआ, जिसका हेड ऑफिस अंबिकापुर में है, छत्तीसगढ़ की पहली सी कंपनी है, ओ डी यू सी टी आई ओ एन, कंपनी का रूपरेखा और प्रस्तावना जो मौखिक बताएंगे हम, पूरा डिफाइन हो गया, प्रस्तावना के बाद प्रैक्टिकल तक हो गया कंप्लीट, 50% आपका काम हो गया, कितना परसेंट, 50% काम हो गया, आधा ज्वाइनिंग के लिए तैयार भी हो गया बिना प्लान दिखाए, क्या है सिल्वर, सिल्वर पैकेज कितने का है, 4500 एक एक यूनिट, 500 बीवी,